प्यारे बच्चों, हिंदी में चैप्टर 4 है आगे, जीवन वृत्तांत एडिसन। इस चैप्टर में एडिसन की जीवन के विषय में बताया गया है कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। चैप्टर शुरुआत होता है कि जहाँ जिस उम्र में कुछ बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं और ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण कुछ जानने की इच्छा को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो उन्हें बड़ा आदमी बना देता है। जैसे हम जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है, तो हर चीज़ वैज्ञानिक उपकरणों का ही परिणाम है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, कला, चिकित्सा, हर एक क्षेत्र पर जहाँ पर भी हम नज़र डालते हैं, हमें विज्ञान के चमत्कार ही दिखाई देते हैं। कई बार छोटी छोटी व्याधियाँ और त्रासदियाँ हमें इतना तोड़ देती हैं, त्रासदियाँ मीन्स इंसिडेंट्स, कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि जो हमें हम अंदर तक तोड़ देते हैं और हम जानने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। वहीं दूसरे और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन व्याधियों त्रासदियों की वजह के बावजूद भी अपने आप पर भरोसा नहीं छोड़ते। उनमें से एक थे एडिसन। एडिसन का जन्म अमेरिका के मिलान में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उनका पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। बचपन में ही कुशाग्र बुद्धि होने के साथ वो जिज्ञासु भी थे। उनकी उम्र 7 वर्ष की थी जब उन्हें विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया था। अध्ययन विषय से हटाकर भी वह कई प्रश्न पूछते थे, जैसे कि चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न ना पूछकर वो अलग से कुछ और सवाल अपने अध्यापक से पूछते थे, जिसके कारण कई बार उनके अध्यापक उनसे बहुत नाराज़ रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने टीचर से पूछा, मैम क्या मनुष्य पक्षियों की तरह उड़ सकता है? अभी मैडम ने एक बात का सवाल का जवाब दिया नहीं, तो साथ ही उन्होंने दूसरा भी पूछना शुरू कर दिया कि पतंग के तो पंख भी नहीं होते, लेकिन वो फिर भी आकाश में उड़ जाती है। अब एडिसन की इस तरह की बातें को सुनकर बच्चे तो हंसना शुरू हो जाते, लेकिन जो टीचर थी उन्हें गुस्सा आ जाता और वो उन्हें ये कहते कि तुम तो सिर्फ टीचर्स के पास इसलिए आते हो कि उन अपना टाइम पास कर सको, इस तरह के बेहुदा प्रश्न पूछकर कक्षा का समय बर्बाद करते हैं। इतना बोलकर उनकी अध्यापिका ने उनको कक्षा से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही जब उनका बचपन था तो एडिसन को लाल बुखार नामक एक बीमारी हुई, जिसके कारण वो हल्के रूप से उन्होंने सुनना बंद कर दिया, यानी कि वो बहरे हो गए। निरंतर प्रश्न पूछने के कारण उन्हें स्कूल से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। एडिसन अब घर पर ही पढ़ने लगे। वो माँ बाप के ऊपर अपना बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अखबार बेचने के साथ साथ रेलवे में नौकरी कर ली। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्होंने 1-2 वर्षों में पैसे जोड़कर एक मुद्रण मशीन खरीदी। मुद्रण मशीन पैसे बनाने वाली। रेल के एक बेकार डिब्बे में उस मशीन को लगाया, यहाँ बैठकर वो अखबार छापते और बेचते थे। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। यह उन्होंने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया। जैसे ही अखबार बेचने का काम समाप्त हो जाता तो वह प्रयोगशाला में जाकर कोई ना कोई प्रयोग करने लगते। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उस प्रयोगशाला में आग लग गई और सारे अखबार जल गए। बहुत नुकसान हुआ। उन्हें रेलवे की तरफ से भी नौकरी से निकाल दिया गया। अगले 5 वर्षों में उन्होंने कई शहरों को देखा, शहरों में घूमे और अलग अलग लाइब्रेरीज में जाकर उन्होंने अपने नॉलेज को इंक्रीज किया, ज्ञान अर्जित किया। आगे 1877 में जब उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया, उन्होंने राष्ट्रपति के सामने व्हाइट हाउस में इस उपकरण को प्रदर्शित किया, तो पूरा देश उन्हें एडिसन के नाम से जानने लगा। अब लेकिन लोग इस बात को सोचकर बहुत हैरान थे कि जो सुन नहीं सकता वो ध्वनि का आविष्कार कैसे कर सकता है। एडिसन ने 1878 में बिजली से चलने वाले बल्ब का भी आविष्कार कर दिया। इस प्रकार उनकी ज़िंदगी जो है वो आगे से आगे बढ़ती चली गई और बल्ब का आविष्कार करके उन्होंने अंधेरे से भरी ज़िंदगी को रोशनी प्रदान की। उसके बाद उन्होंने चलती तस्वीरों को यादगार बनाने के लिए मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट बनाया। स्टार्टिंग में इस कैमरे में हम 50 से 60 तक पिक्चर्स ले सकते थे और उस समय में फिल्में बनाने का जो काम था वो भी इसी कैमरे से लिया जाता था। एडिसन महान आविष्कारक के रूप में उभर कर सामने आए। दूसरे वैज्ञानिकों ने बनाए उपकरणों को भी उन्होंने सुधार किया। मूक फिल्मों में आवाज़ देने के लिए उन्होंने बिजली के आविष्कार जयंती पर एक विशाल जन समुदाय के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रपति का धन्यवाद करने के लिए एडिसन जैसे ही उठ खड़े हुए बोलने के लिए, तो उनसे ना उठा गया और ना ही वो कुछ बोल सके। वे बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने खूब इलाज किया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन का निधन हो गया, लेकिन अपने आविष्कारों के कारण हमारा पूरा विश्व उनका हमेशा ऋणी रहेगा।